हाय गाइस, कैसे हो लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो गए। तो आज हम भाई बजाज एवेंजर 220 मैं आपको दिखा जाता हूँ पास से जूम करके। तो ये गाड़ी पूरी आप देख लीजिए, गाड़ी चली कितनी है ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। चाबी ऑन कर देता हूँ, मीटर में लाइट आ गई। ये इसका सेकंड टाइम इंजन होने वाला है, तो गाड़ी इतनी चल चुकी है, मीटर में आप देख सकते हैं। तो बजाज एवेंजर है 220। मैं आपको इसके इंजन का साउंड सुनाता हूँ। जैसे ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर स्टार्ट होता है कड़बड़ कड़बड़ करता है, वैसे इसके अंदर कंकड़ से बज रहे हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाता हूँ। तो हमने चाबी ऑन कर दी है, ये मारा हमने सेल्फ, इसका मैंने आपको साउंड सुना दिया है, साउंड भी चेक करा दिया है। तो चेक करते हैं इसको, इसका इंजन ओपन करते हैं। इंजन ओपन करने के बाद मैं आपको चेक कराऊंगा इसका साउंड किस वजह से हो रहा है, किस वजह से इसका साउंड इंक्रीज कर रहा है, साउंड कैसे बढ़ रहा है, क्या पार्ट कटा क्या पार्ट नहीं कटा। तो मैं आपको पूरा इसका ये एरिया है, जो ये पार्ट इतना एरिया पूरा एरिया खोल के, ये हेड सिलेंडर खोल के, क्लच ओपन करके चेक कराता हूँ पूरा। तो हम स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, तो खोल के फिर मैं आपको इसके आगे वीडियो चेक कराता हूँ क्या क्या डलेगा और क्या क्या पार्ट चेंज होगा। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और तो गाइस, इसके हमने टैंकी वगैरह भी ओपन कर लिया, सीट वगैरह पूरा ओपन कर लिया। तो टैंकी हटा देते हैं यहाँ से, टैंकी हमने हटा दी, ये रख देते हैं टैंकी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पार्ट खुलेगा, जो जो उसका पार्ट है इतना एरिया खुलेगा, ये पार्ट खुलेगा, ये खुलेगा, साइलेंसर वगैरह खुल जाएगा। आपको दोबारा साउंड चेक करना है तो दोबारा चेक कर लेता हूँ। चाबी अपना ऑन कर दो, कितना गंदा साउंड है। कुल मिला के इसकी बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है जब कस्टमर हम पे गाड़ी लेके आए हैं। और उसका कहने का मतलब, गाड़ी के मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चलूंगी, बिल्कुल भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, चल नहीं रही एकदम। बिल्कुल जो कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर नाम की जो चीज़ होती है राइट नाउ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो उसको हम सही कर देंगे। सही करने के लिए हमें इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके दिखाता हूँ क्या पार्ट है और क्या सही। जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, तो मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ क्या होगा इसका। तो गाइस, ये सब हमने खोल दिया, ये सारा सामान ओपन कर दिया है। इसके जो हेड था ऊपर का, ये भी खोल दिया, ये एरिया भी निकालेंगे, बाकी क्लच वगैरह भी ओपन कर दिया। तो अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखो, पूरा ओपन कर लिया है, अंदर से पूरा एक ब्लॉक कट गया इसका। बाकी ये देखो पिस्टन की क्या हालात है, कितना ज़्यादा कार्बन है इसके ऊपर। ये तो पिस्टन चेंज तो होगा। बाकी इसकी जो हेड है, हेड की पोजीशन देखो, इसका वाल भी काफ़ी अंदर तक घुस गए, दिख रहे होंगे काफ़ी अंदर तक चले गए हैं। तो इसकी भी जो सीटें हैं कट चुकी हैं, वाल चेंज होंगे दोनों ये वाले। और इसका हमने क्लच भी ओपन कर लिया, क्लच की हालत देखो कितनी बुरी है, क्लच प्लेट की देख रहे हो आप, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसका सारा सामान हम चेंज करेंगे, बाकी टाइम चेन वगैरह भी डालेंगे। ये टाइम चेन इसकी कटोरा निकाल लेते हैं अलग, देखो कितना गंदा है इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको कितना गंदा। ये देखो दोबारा निकाल के दिखाता हूँ इसमें से, ये देखिए सारा गंदा है, ये कीचड़ है, सारी कीचड़। ये सारा निकाल के आपको दिखाता हूँ, बाकी टाइम चेन और निकाल लेते हैं। गाइस, इसकी टाइम चेन ये रही, इसका प्राइमरी गियर है और इसकी ये काट रहा है, इसको जरूर ध्यान से रखें। ये फोन में जल्दी मिलते नहीं है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है मिलना। तो ऑन कर देंगे सही जगह पे। तो गाइस, ये सारा सामान ओपन कर लिया, ये पिस्टन में हम बाहर निकाल लेंगे। पिस्टन, वाल्व और टाइम चेन हमने खोल दी है, ये रही क्लच प्लेट। ये सारा सामान बिल्कुल कट चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का फिर इसका मैं आपको उसका साउंड शेयर करूँगा। पहले आपने साउंड सुना था कैसा साउंड था, और ये सारा पार्ट चेंज करने के बाद फिर आपको इसका साउंड चेक कराता हूँ। तो ये पूरा ओपन कर लिया, हम पार्ट वगैरह ले आते हैं, पार्ट ला कर फिर फिट करके फिर आपको आके वीडियो दिखाता हूँ।
तो गाइस ये फाइनली गाड़ी सारी खुल चुकी है। उसका जो मैं सामान खोलना था पूरा ओपन कर दिया है, सारा सामान इसके सारे पार्ट मैंने अलग अलग कर दिए हैं। मैं आपको दिखा जाता हूँ, जैसे देखो सारा सामान इसका ओपन हो चुका है। हेड सिलेंडर वगैरह सब कुछ ये रहा, इसका सामने हेड है, ये सिलेंडर है, ये हेड कवर वगैरह है, क्लच पेडी वगैरह सब कुछ ओपन कर दिए इसकी, जो सामान डालना बाकी और पार्ट यहाँ पड़े हुए ट्री के अंदर, ये क्लच के अंदर का सारा सामान है। और आपको गाड़ी दिखाता हूँ कैसी लगती है खुलने के बाद, हमारी गाड़ी कैसी लगती है। तो ये रही बजाज एवेंजर 220, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसका पूरा सामान मैंने खोल दिया, ये कवर तो मैंने फिलहाल ऐसे लगा दिया है, ओपन है ये ऐसे लगा रखा है मैंने, बाकी जब फिट करेंगे मैं आपको दिखा दूँगा। तो गाइस इसको तो पैकिंग करते हैं, पैक करते वक्त फिर आपको दिखाऊँगा क्या क्या सामान डल रहा है और कैसे फिटिंग होगी। हाय गाइस, तो इसका सारा सामान आ गया, सारा सामान हमने जो बोला था सारा सामान इसका मंगा लिया। तो ये रहा इसका पिस्टन, मैं इसकी फिटिंग करने जा रहा हूँ। तो पिस्टन हमने लगा चुके हैं, पिस्टन ये रहा, ये इसकी क्लच प्लेट ली हो, पुरानी मैंने आपको दिखाई थी, पुरानी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने क्लच प्लेट लगी है, ये पिस्टन है, बाकी इसका हेड दिखाता हूँ मैं, इस साइड रखा हुआ ये रहा, ये रहा इसका हेड, इसका वाल है, दोनों नए डल चुके हैं। तो पुराने वाल थे वही मैं आपको दिखाता हूँ, जो बिल्कुल कट चुके थे, ये सारे पार्ट है सारे भी चेंज कर रहे हैं, और इसकी टाइम चेंज वगैरह है, जो काउंटर पर टाइम चेंज होगी दिखा लो, ये इसकी टाइमिंग चेन, जो अंदर की चेन होती है पुराने से दिखाता हूँ, ये इसकी पुरानी चैन और ये नई चैन, फाड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, जेनुइन बजाज की है ये। तो गाइस ये देखो नई चैन जेनुइन बजाज की है। तो ये सारा पार्ट जो भी है सारा पार्ट हम चेंज करेंगे, सारा पार्ट चेंज करने के बाद इसका साउंड मैं आपको चेक कराऊंगा कि साउंड में क्या असर है क्या नहीं है, साउंड कम हुआ कि नहीं, क्योंकि सारा सामान इकट्ठा होता है इसलिए इंजन का आवाज़ कर रहा था और गाड़ी स्मोक भी करती है, गाड़ी बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, क्लच खत्म था, टाइम चेंज खत्म थी, पिस्टन खत्म था, वाल खत्म थी, इसकी वजह से गाड़ी भी नहीं चल रही थी और साउंड ज़्यादा कर रही थी। तो मैं पूरा कंप्लीट फिट करके फिर आपको वीडियो आगे दिखाता हूँ। ये सारे सामान हमने धो लिया है, ये सारे पार्ट वगैरह सब धुल चुके हैं, इधर का सारा हमने इंजन का पूरा क्लीन कर लिया, ये एरिया पूरा कंप्लीट हमने क्लीन कर लिया है। तो उसकी फिटिंग कर लेते हैं, इसकी पूरी फिटिंग करके ना मैं आगे आपको दिखाता हूँ और इसके साउंड चेक कराता हूँ, साउंड में कितना असर है कितना नहीं है, वीडियो बने रहे फिर मैं आपको बताऊँगा। ये इतना एरिया जो था हमने दोबारा से कंप्लीट कर दिया है, फिट कर दिया है, पहले खोला फिर इसको फिट कर दिया हमने, अभी वाला एरिया रह गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब सिर्फ ज़्यादा नहीं सिर्फ एक घंटे काम और रह गया, ये क्लच पूरा कंप्लीट करना है, सारा सामान ये रहा, और जो हमने क्लच पेड ली थी हमने डिप करने के लिए हमने ऑयल में डाल दिया, आपको दिख रहा होगा ये देखो नई बिल्कुल लाल पीली होती है और काली हो जाती है, फूक जाती है, जल जाती है पुरानी प्लेट। तो मेरे जो वीडियो बनाने का जो मकसद था ये था कि जो पार्ट इसमें ख़राब था हमने सब चेंज कर दिया। और दूसरी चीज़, कभी भी आपको हल्की सी भी कोई आवाज़ आए तो तुरंत मैकेनिक को जाएँ, इतना सारा सामान आपको खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम पैसे में और अच्छा काम आपको हो जाएगा, लेकिन इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और समय भी बर्बाद हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हल्की सी आपको साउंड लगती है तो अपने आसपास के मैकेनिक जिससे आप काम कराते हैं उसको जरूर दिखाएं। तो ये मैं इतने एरिया और फिट करने जा रहा हूँ, तो ये हम अपने इस एरिया को फिट करने के लिए पहले हमें सीजर गियर लगाना पड़ेगा ये अलग, तो इसका ये हमने ये इसका टूल मंगा लिया है, तो टूल मंगा के अब इसको हम फिट करेंगे। तो मैं इसकी जो फिटिंग करके ओके मैं ये करके दिखाऊँगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं ये पूरा कम्प्लीट करके फिर आपको आवाज़ सुनाऊँगा और आवाज़ चेक करूँगा, ये फिट होने का फिर इसके बाद ही वीडियो चेक कराता हूँ। तो ये एरिया हम साफ कर दिया हमने, क्लीन कर दिया, इसको फिट करते हैं। तो गैस ये हेड वगैरह कंप्लीट हो गया, कार्बेटर वगैरह लगा दिया हमने, जो ये कार्बेटर होता है हमारा एवेंजर 220 में इसमें है कार्बेटर, ये क्लच वगैरह भी फिट हो गया। और हम इसकी जो इसके कोयल वगैरह हैं कोयल वगैरह लगाएंगे, जैसे कि ये इसकी कोयल वॉयल, ये कोयल यहाँ लगाएंगे, ये इसके होल्स हैं, जब यहाँ फिट होने के बाद इसका जो प्लग कैप वगैरह कोयल वगैरह, जब प्लग की कैप वेप, ये जैसे कि ये वाली कोयल हो गई जो हमारे प्लग में कनेक्ट होती है, ये सारी कोयल लगाने के बाद
फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने का फिर मैं इसका आपको साउंड सुनाऊंगा, जो साउंड चेक कराऊंगा जो साउंड हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। इतना पार्ट डल गया, इतनी ज़्यादा कमियां थी इसमें, तो सारा पार्ट हमने चेंज भी कर दिया। अब फाइनली ये कंप्लीट होने वाली गाड़ी हमारी, तो ये जैसे भी कंप्लीट हो जाती है फिर मैं आपको इसका साउंड चेक कराता हूँ। तो अब इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, इतना एरिया ये कोयल वगैरह लगा के, प्लग की कैप लगा के ये वाली, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गई है। जो जो इसमें दिक्कत थी सारी कंप्लीट कर दी हमने, जो जो दिक्कत थी सारी से चीज़ें जो हमने, जो पार्ट ख़राब लगा हमने डाल दिया, चेंज कर दिया। अब मैं आपका इसका जो साउंड होता है साउंड चेक कराता हूँ। तो गाड़ी की चाबी ऑन कर लेते हैं, इन्वर्टर में लाइट आ चुकी है। गाइस इसका आपने साउंड सुना होगा कितना बढ़िया, एकदम मक्खन आवाज़ आ रही है, एकदम बढ़िया जैसे नई गाड़ी की आवाज़ होती है। तो जो भी कभी भी आपको मैं पहले भी बताया था मैंने, और अभी भी बता रहा हूँ लास्ट इस वीडियो में, तो गाड़ी बंद कर देता हूँ, साउंड आ रहा है। तो हल्की सी आपके इंजन में साउंड आए या कैसे भी तरह की आवाज़ आए, तो अपने आस पास के मैकेनिक को दिखा लें, इससे आपको क्या होगा, खर्चा होने से काफ़ी बच जाएगा। जो भी सारा सामान होगा, पिस्टन वाल टेम्परेचर, और इंजन खोलने से पहले जो आपका सील्ड इंजन होता है कंपनी का, वो खोलने से बच जाएगा। इससे आपकी गाड़ी की जो इंजन की लाइफ होगी काफ़ी अच्छी होगी। जो छोटी सी चीज़ अगर आप सही करा लेते हो तो बड़ा काम नहीं कराना पड़ेगा। तो मैं इसका मैंने आपको साउंड भी चेक करा दिया, पार्ट भी चेंज करके दिखा दिए क्या क्या पार्ट चेंज करना था, क्या क्या कैसे खोला कैसे डला। अब मैं इसको फाइनली पूरी पैक करके फिर चेक कराता हूँ इसका साउंड, एक बार और चेक कराऊँगा मैं आपको पूरी, ये पैक कर लूँ टैंक वगैरह सब लगाने के बाद, फिर आके दिखाता हूँ मैं आपको। तो वीडियो बने। तो गाइस ये गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसका राइड लेके आता हूँ और चेक करता हूँ, फिर इसका कंप्लीट जो काम था सारा हो चुका है, तो उसके राइड लेने की तैयार होगी गाड़ी, तो राइड लेते हैं और चेक करते हैं क्या चलती है चलने में। पूरी तरह से कंप्लीट है गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने आपको पहले जो बताया था बात का ध्यान रखना, जो छोटी सी बात है, कभी भी आगे गाड़ी में छोटी सी भी आवाज़ हो या साउंड हो तो आप अपने आस पास में जरूर देखें। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ना भूलना, चैनल का नाम तो पता होगा अर्जुन बाइक की है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।